नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशाल यादव ने ली अधिकारियों की मीटिंग। जन अभियान सहित सफाई अभियान की मॉनिटरिंग के साथ ही विभिन्न कार्यों के दिए निर्देश। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सोमवार को अजमेर नगर निगम कार्यालय के सभागार में निगम आयुक्त डॉक्टर खुशाल यादव की सदारत में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की जानकारी देते हुए उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि मीटिंग में 10 जोन में विभाजित अजमेर शहर में जन अभियान के तहत अधिकारियों को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक फील्ड में रहकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के निर्देश के साथ ही इसकी जानकारी मोबाइल ऐप पर पूरी सूचना के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा 10 जोन में चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अजमेर शहर में पॉलीथीन को पाबंद करने के लिए थोक पॉलीथीन विक्रेताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यादव ने बताया कि यह व्यवस्था एकदम नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। दुकानदार और ग्राहकों को कागज व कपड़े की थैली उपयोग में लाने की आदत डालनी होगी। कार्रवाई से पूर्व इनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आज ये आयुक्त महोदय ने जो मीटिंग ली है, एक तो अभी जो जिस तरीके से 2 अक्टूबर से कोरोना के विरुद्ध जो जन जागरण किया जा रहा है, इसके तहत जो भी हमारी निगम के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, एक तो मीटिंग उस संबंध में ली थी और सभी को जो 10 जोन बनाए हुए हैं, 10 जोन पे जो कर्मचारी अधिकारी लगाए हुए हैं, उन्हें पाबंद किया है कि सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक अपनी फील्ड में रहेंगे और फील्ड में रह के एक जो ऐप है, मास्क का जो ऐप है, तो उस मास्क लगाए हुए ऐप के ऊपर इसकी सूचनाएं हमें देनी है और इसको कंटिन्यू करना है और इसको बड़ी एक तरीके से गंभीरता से लेके इसको अभियान को चलाना, जो शनिवार और इतवार को भी चलेगा। साथ ही हमारे जो भी वर्तमान में दिवाली पर्व को देखते हुए जो विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, उस संबंध में भी मॉनिटरिंग मीटिंग थी और विशेष सफाई अभियान के तहत जो 2 वार्ड रोज डेली हो रहे हैं और उसके अलावा 10 जोन में जो हमारे अधिकारी लगाए गए हैं, जो सफाई अभियान के तहत हमें एक चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट अनुसार पूरी सूचना भर के वहाँ देते हैं, तो उन सभी अधिकारियों को पाबंद किया गया कि अपने वार्ड में जाएंगे और इस तरीके से जो भी सफाई की जा रही है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और मॉनिटरिंग के साथ साथ ही प्रतिदिन जो भी अभियान में विशेष सफाई हो रही है और विशेष करके सभी सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए गए कि जिस संबंधित वार्ड में विशेष सफाई अभियान चल रहा है तो वहाँ जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको विश्वास में ले हुए, उनसे जानकारी ले हुए और जो वहाँ पे जो ऐसी संस्थाएं हैं या जो सोसाइटीज हैं, जो कोई कमेटियाँ और मोहल्ला समितियाँ वगैरह बनी हुई है, इन लोगों को वहाँ विश्वास में लेके और जिस दिन वहाँ पे सफाई अभियान चलना है उससे 1 या 2 दिन पहले उनसे जानकारी प्राप्त करें कि उन्हें उनके वार्ड में कहाँ कहाँ विशेष सफाई की आवश्यकताएँ हैं और उनको भी प्राथमिकता से पूरा करें। और ये आज डायरेक्शन दिए गए इसी संबंध में आज मीटिंग में अभियान भी चलाया जाएगा। बिल्कुल, वो उसमें आप अभी जो मीटिंग था सफाई ये सर्वेक्षण का मीटिंग था, इसी में यही था कि पॉलीथीन वगैरह को है ज़्यादा से ज़्यादा जब्त करें और इसके संबंध में हम आपके चैनल के माध्यम से आपके पूरे अजमेर शहर की जनता को ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमें इसकी सूचना दें। नगर निगम के किसी भी अधिकारी की वेबसाइट से फ़ोन नंबर लेके आयुक्त महोदय को, उपायुक्त को इस संबंध में सूचना दें, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथ उन्हें निश्चित रूप से प्रोत्साहन देने के लिए कोई न कोई एक पुरस्कार दिया जाएगा और इस तरीके से उनको जो हमारे को बल्क रूप में, ये तो नहीं कि किसी थैले वाले की 1 किलो पकड़ ली, 2 किलो के लिए थैला पकड़ रहा है, बल्क रूप में जो ज़्यादा से ज़्यादा आती है वो पॉलीथीन की अगर हमारे को कोई सूचना देगा तो निश्चित रूप से हम उन्हें पुरस्कार के रूप में कुछ न कुछ प्रदान करेंगे और नाम भी उनका गुप्त रखा जाएगा।